नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। घोड़ों की रेस आपने देखी होगी। बाइक चलाते युवाओं को एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते देखा होगा, पर क्या कभी घोड़ों और बाइक के बीच मुकाबला देखा है? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई मुकाबला होता नहीं है, तो आपकी ये सोच खबर पढ़ने के बाद बदल जाएगी, क्योंकि ये मुकाबला लीगल ना हो पर पुलिस प्रशासन से छिपकर कराया गया। जानकारी के मुताबिक हापुड़ के नेशनल हाईवे पर कुछ लोगों द्वारा सुबह घोड़े की रेस का आयोजन किया गया। बुलंदशहर रोड बाईपास रोड पर दर्जनों बाइक घोड़ों के साथ रेस लगाते हुए नजर आई। आपको बता दें कि रेस का आयोजन के लिए सुबह से ही हाईवे पर हलचल चल रही थी, तो वहीं करीब 10 से 11 बजे के आसपास रेस शुरू की गई। दरअसल सोशल मीडिया में इस रेस का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि लोग किस तरह घोड़ों के साथ बाइक से रेस लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 100 डायल पुलिस भी टकटकी लगाए घोड़ों की रेस का साइड में खड़े होकर आनंद ले रही है। ये रेस थाना हाजीपुर क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर मोड़ी कला से गांव बछौड़ा के बीच हुई। सूत्रों की माने तो इस रेस में सट्टेबाजी भी हुई। पुलिस को जब इस रेस की सूचना मिली तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे रहकर मजदूरी और भीख मांगकर जीविकोपार्जन करने वाली मां के बगल में सो रहे नवजात बालक को मोटरसाइकिल सवार आज सुबह लेकर भाग निकले। कोतवाली कटरा में नवजात बालक की मां ने मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। सोनभद्र जनपद के थाना बीजपुर निवासिनी फिटियारी पत्नी चंदन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर रहकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। मजदूरी न मिलने पर भीख मांग कर जीविकोपार्जन करते हैं। आज सुबह मां अपने नवजात बेटे के साथ ही सो रही थी। भोर में रेलवे स्टेशन मिर्जापुर स्थित सुलभ शौचालय के पास से उसका 5 माह का बच्चा उठाकर भाग गए। कोतवाली कटरा में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। नवजात की मां रेलवे स्टेशन मिर्जापुर स्थित सुलभ शौचालय के पास अपने पति चंदन व 8 बच्चों के साथ रहकर भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन व्यापन करती है। पिता ने पुलिस से अपने कलेजे के टुकड़े के लिए गुहार लगाई है। यह रेलवे स्टेशन परिसर की सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन परिसर में जो है, जो बीती रात है भोर के टाइम पे जो है, एक 5-6 महीने का बच्चा है, वो सब लोग रेलवे परिसर के अंतर्गत ही उसके बच्चे के परिवार के लोग सो रहे थे, और कोई 2 बाइक सवार जो है आए हैं और 5-6 महीने के बच्चे, सोते हुए बच्चों को लेकर के चले गए हैं, भाग गए हैं। बीसीएन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। कानपुर देहात में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में पहुंचे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी नगर के विकास राज्य मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का कानपुर देहात पहुंचने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान और पार्टी कार्यकर्ताओं ने रायपुर में जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री अगकपुर इंटर कॉलेज में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे, जहां कानपुर देहात के सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। वहीं किसान सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने अपना संबोधन भारत माता की जय के साथ शुरू करने के साथ ही कहा कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आप लोग मजबूत हो रहे हैं, बहुत जल्द भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता को ताकत मिल रही है, प्रदेश मजबूत हो रहा है। किसान सम्मेलन था, पंचायत को चुनाव को लेकर पंचायत की बैठक थी, कार्यकर्ता और संगठन, केंद्र और राज्य की सरकार गांव गरीब के खुशहाली के लिए है। गुंडावर्दी बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और आज योगी के शासन में राज्य के अंदर गुंडागर्दी बंद है और एक खुशहाली है। हर गरीब को छत देना है, हर गरीब को भरपेट भोजन देना है, हर गरीब को शौचालय देना है, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देना है,
और सभी लोग खुशहाल रहे इसकी चिंता। वही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के किसानों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। 16,50,000 किसानों को ऋण की सुविधा दी गई। फुटपाथ पर ठेलिया लगाने वाले फेरी वालों को पैसा दिया जा रहा है। गाँव की सुविधा और विस्तार के लिए किसानों को दिए जाने वाला फंड 20,000 से बढ़कर 40,000 कर दिया गया है। वही किसानों को दिए जाने वाली लाभकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। साथ ही होने वाले पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को कमर कसने की बात कही। BCN न्यूज के लिए कानपुर देहात से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से गोला थाना क्षेत्र के गांव बिजौली में एक दिन पहले पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद पत्नी के परिवार वालों ने पति और उसके परिवार पर पत्नी को मार देने का आरोप लगाया, जिससे आहत होकर पति ने फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। वही मृतक कुंवर सिंह के परिवार वालों का कहना है कि पत्नी के परिवार वालों ने मारकर टंगा दिया है। मामला गंभीर देखते हुए कोला थाने सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पहले उनका ध्यान था उनकी जो बहन थी, उन्होंने कहा कि उनको तुम अगर उच्ची मर पहले बीनो तुम मर जाओ, हम इनको सबको फंसा देंगे, सबको मार डरेंगे, ये घर में छप्पर है या मकान क्यों नहीं बनवाते हैं। अब हमारे अम्मा के कैंसर है, हमारी माता जी के कैंसर है और श्वास नली में एक पत्थरी भी है, उनका ऑपरेशन भी होना था। भाभी ने कहा हम ऑपरेशन नहीं करवाने देंगे। महोबा शहर के नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के वार्षिक उत्सव में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गल्ला मंडी के व्यापारियों के द्वारा 2 दिवसीय अखंड रामायण और सुंदरकांड पाठ के बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, सदर विधायक राजेश गोस्वामी और BJP जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेगर सहित कला व्यापारी से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यापारियों द्वारा आत्मिक शांति के लिए प्रभु से मंगल कामना की प्रार्थना की गई। मोबा के नवीन गल्ला मंडी परिसर में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर के आज वार्षिक उत्सव में भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही है। भगवान श्री नारायण के माता लक्ष्मी के साथ दिव्य अलौकिक दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भगवान के सभी 10 अवतारों को एक साथ एक स्थान पर देखने के लिए दूर दराज के गाँव से लेकर शहर के हर गली मोहल्ले से भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। व्यापारियों की मंशा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में नर ही नारायण है के भाव को मन में जागरूक करते समाज में एक बेहतर संदेश देने का प्रयास किया गया है, जिससे भविष्य में बच्चियों पर होने वाले अपराध पर लगाम लगाई जा सके। मंदिर के वार्षिक उत्सव में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के कुशल निर्देशन में नए मंदिर के गेट का निर्माण करने के बाद उसे आमजन के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया गया। मोबा जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल में आने वाले व्यवधन को यथाशीघ्र दूर कर भक्तों को मंदिर पहुँचाया। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का 15वां वार्षिक उत्सव है, तो माननीय जिला अधिकारी की प्रेरणा से ये नवीन गेट का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा आम लोगों के लिए ये मंदिर खुलना जरूरी है। आज हम यहाँ मंडी में जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है उसका आज वार्षिक उत्सव है और इस मंदिर में सभी कन्याओं का भोजन कराया जा रहा है और जो कि संस्कृति अपनी जो संस्कृति लोग बाग भूलते जा रहे थे आज फिर से उसको दोहराया गया है। BCN न्यूज के लिए मोहबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टुंडला की चौकी हिरन गांव की पुलिस स्टाफ का वीडियो हुआ वायरल। हिरन गांव चौकी के एक पुलिस कर्मी ने ग्राम प्रधान के फार्म हाउस पर एक युवक की जमकर पिटाई। लातो घूसो से पिटाई का वीडियो वायरल। पूर्व प्रधान के कहने पर पिटाई का आरोप टुंडला के कुतुबपुर जारकी का मामला। SPCT मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि वीडियो वायरल होने पर पुलिस कर्मी को निलंबित किया गया है। थाना टुंडला से संबंधित एक पुलिसकर्मी का किसी पब्लिक के एक व्यक्ति से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेके उस पुलिसकर्मी की पहचान एक मुख्य आरक्षी थाना टुंडला में तैनात के रूप में की गई है और उसको निलंबित करके उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान ललित रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।